बारह जून पीर शरीफ के सुबह शादी और अंग्रेजी तारीख क्या थी? 20 अप्रैल और ईस्वी क्या थी? 571 है ना, ये पूरा याद रखें इंशाल्लाह। 12 रबीउल अव्वल शरीफ पीर शरीफ का दिन 20 अप्रैल और 571 ईस्वी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ। पुराने पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इद बअथ फीहिम रसूला रसूलम मिन अनफुसिहिम यतलु अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानु मिन क़ब्ल लफी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने मोमिनों पर एहसान किया, रसूल मिन अनफुसिहिम कि उन्हीं में से एक रसूल को मबूस किया जो क्या करते हैं, यतलु अलैहिम आयाती हमारी आयत पढ़ के सुनाते, हिकमती और हिकमत की बातें बताते। अब देखिए अल्लाह पाक ने हमें बेशुमार नेमत दी, वो इनका उद्दू नेमत अल्लाह ला तुसुआ कि हमने इतनी नेमत दी कि तुम गिनना चाहो तो हरगिज गिन नहीं सकते। अल्लाह पाक की इतनी नेमत, लेकिन अल्लाह पाक ने कहीं ये नहीं फरमाया कि हमने तुम्हें हाथ दिया तो एहसान किया, पैर दिए तो आंखें दी तो एहसान, कान दिया सुनने को तो एहसान, ये मुंह में जबान दी तो एहसान, दांत दिए चबाने को एहसान नहीं, लेकिन एक जगह कि हमने रसूल दिया तो एहसान किया। बात समझ? अच्छा और आगे बढ़े। अब पुराने पाक वो अम्मा बीवी मती रब्बी का फहद दी कि तुम अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो, अल्लाह की नेमतों का खूब चर्चा करो। अच्छा अल्लाह पाक की नेमत कौन है? तो यकीनन सारी नेमतों से बढ़कर हुजूर सबसे बड़ी नेमत है। अच्छा और आगे बढ़े कुरान पाक सूरह यूनुस आयत नंबर 58, कुल बिफदलिल्लाह व बिरहमति फबिदालिका फलयफरहु हुवा खैरु मिम्मा यजमाउन। ए महबूब आप फरमा दो कि जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिले और रहमत मिले तो खुशी मनाओ। क्या मनाओ? खुशी मनाओ। अच्छा अल्लाह की रहमत कौन है? तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। ए महबूब हमने आपको पूरे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा, बेशक। तो हुजूर अली सलाम रहमत भी है और अल्लाह का फजल भी है, तो यकीनन मेरे आका अली सलाम की आमद पर हम जो खुशी मनाते हैं ये बिल्कुल जायज है और मनाना चाहिए। अच्छा जो लोग कहते हैं कि नहीं इंतकाल भी हुआ था इसलिए गम मनाओ, तो हम उनसे कहेंगे अच्छा एक बात करते आपस में सौदा करते, वो ये कि हम जितने अहले सुन्नत व जमात मसलक के आला हज़रत के मानने वाले तो हम इंशाल्लाह खुशी मनाएंगे, आका की आमद का जिक्र करेंगे, और तुम लोग एक काम करो कि जो इंतकाल पे तुम्हें इतना गम सदमा है ना तो तुम मातम कर लो, तुम लोग मातम कर लो कि शिया मुहर्रम में मातम करते 10 दिन और तुम 12 दिन 12वीं में मातम करो, लेकिन कुछ तो करो। अच्छा वो लोग कहते हैं कि नहीं इंतकाल भी हुआ सेम दिन आ गया, तो याद रहे हुजूर अली सलाम ने फरमाया जुमा का दिन ये आदम अली सलाम की पैदाइश का दिन है, लेकिन जुमा ही का दिन हजरत आदम अली सलाम के विसाल का भी दिन। बताइए कि आप और मैं किसी जुमा को ऐसा करते कि जुमा नहाए अच्छे कपड़े पहने तैयार होके गए और दूसरा जुमा बिना नहाए मैले कुचले कपड़े और फिर गए, ऐसा करते? या एक जुमा पढ़े क्योंकि खुशी मनाए मुबारकबाद दिए गले मिले मुसाफा मुआनका और दूसरे जुमा रोते पड़े कि नहीं एक जुमा खुशी एक जुमा, ऐसा करते नहीं। क्यों? क्योंकि जुमा का दिन मुबारक, अरे जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो वो दिन ईदों की ईद, यानी क्यों? क्योंकि वो दिन बहुत बड़ा है। तो सोचिए जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम के भी आका पैदा हुए, सुभान अल्लाह, अरे आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जिनके सदके में कबूल हुई वो मेरे आका अलैहिस्सलाम है ना, तो हमें चाहिए कि हम बारहवीं शरीफ में झंडे भी लगाए। अच्छा दिन में झंडे लगेंगे तो कोई गुजरेगा देख के समझ जाएगा कि आशिक रसूल का रंग, और रात में हम फोकस चालू कर देंगे तुरंत लगाएंगे तो मालूम पड़ेगा आशिक रसूल का रंग, क्योंकि दिन के उजाले में तो ये उजाला दिखेगा, तो दिन में झंडे से सबूत देंगे और रात में इंशाल्लाह अपनी तरफ से रोशनी करेंगे कहे इंशाल्लाह। तो ये सारी चीजें करना बिल्कुल जायज दुरुस्त है, अल्लाह पाक हम सबको इसका सदका अता फरमाए।